बीबी की बात करने वाले ताली बजाने में उसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में किसी के साथ बलात्कार हो? एक मिनट, पार्टी के नेता ने तंदूर में नहीं जलाया, नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तथ्य गलत है। अब हमें क्या लिखा है, बच्चों को फिर क्यों गलत पढ़ा? दोस्तों जय हिंद जय भारत, आइए सुनते हैं एक ऐसी डिबेट जिसको समझ एक आम भारतीय का खून खौल जाए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। किसी ऐसी लड़कियां यंग बैठी, आप खुद एक महिला हैं, क्योंकि हम लाल किले की प्राचीर से दिए हुए भाषण की विवेचना कर रहे हैं और उस पर चर्चा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ, भाजपा से पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने इस बार 75 साल आजादी के मनाते हुए कहा कि एक विकृति आ गई है हमारे अंदर, हम महिलाओं के लिए बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक वैधव्य झेलती हुई औरत को कांग्रेस की विधवा कहा है, या एक माँ को जर्सी गाय कहा है, या एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, या लड़कियों के लिए कहा है फोटो लगा दो अचार के डब्बे पे बिकने लगती है, उनके बारे में वो क्या कहेंगे? रुको जरा, सबर करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले एक लाइन में इनकी बाद वाली बात का जवाब देके पहले बताता हूँ। नैना साहनी को तंदूर में जलाने से लेके मंदिर छोड़ने जाने, बता रहा हूँ, हमेशा इतिहास की आप बताइए, इतिहास नहीं तो 12 साल पुरानी बात है। सुप्रिया जी जवाब सुन, और वहां से लेके मंदिर जाते हैं लड़कियों के साथ छेड़खानी करने, और पत्नी पुरानी हो जाती है तो कैसा कैसा शब्द बोलने वाले लोग इस प्रकार के आकर जब वक्तव्य देते हैं, और तो और लड़कों से गलती हो जाती है के साथ गठबंधन को लालायित रहते हैं, फिर वो आकर जब यहाँ प्रवचन देते हैं, परंतु आज का विषय बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी नेता को, हमारी किसी महिला नेता को हमारी पार्टी के नेता ने तंदूर में नहीं जलाया। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ, जवाब दीजिए, तंदूर में जलाया कि नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है कि नहीं, आपने मुलायम सिंह के साथ बलात्कार, दोनों के दोषी पाए गए, कुलदीप सिंह सेंगर आपके एमएलए थे, चिन्मय आनंद आपके नेता थे, गृह राज्य मंत्री थे, क्या जवाब सुनिए सुप्रिया जी, आपको पता है लखीमपुर में आपके सांसद ने एक औरत का हरण किया, क्या बात करते हैं सुप्रिया जी, जवाब पूछा सीधा जवाब, वो जवाब दे रहे हैं उसका, आप अपने नहीं, जाते हैं। सौ बातों की एक ही बात है, हमारे किसी नेता ने कभी नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती फिर सब चलता है। आप आई एम सॉरी बाबू, आप उनके साथ गठबंधन में थे, सौ बात की, अब जवाब देता हूँ नेहरू को, सुप्रिया जी एक सेकंड प्लीज प्लीज, सुप्रिया जी प्लीज प्लीज, सब क्यों पे आते हैं ना, अब विषय से आप दूसरे पे गए थे, अब देश का विभाजन के लिए बलात्कारियों को छोड़ना ठीक था या नहीं था, हाँ या ना, मैं जवाब दीजिए ना, आप तो बलात्कारियों को जस्टिफाई करना नहीं ठीक था, बस सौ बातों की बात हो गई, बाकी तो उनको बात को लेकर कोर्ट निर्णय देता है। ताली बजाने में उसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर में किसी के साथ बलात्कार हो? एक मिनट सुधांशु जी, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ी सी सेंसिटिव बात है, मैं महिला हूँ, जब मुद्दे में बहस करने की क्षमता नहीं होती तो ऐसे ही गोल पोस्ट चेंज किए जाते हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, ये इस देश के लिए सेंसिटिव इशू है, हमने सवाल पूछने दिया नहीं पूछने दिया, एक जवाब पूछा नहीं पा रहे, अब मैं जवाब देता हूँ, एक बात सुनिए, तो ठीक है जनता तय करेगी कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो जनता तय करेगी कि जवाब नहीं दे रहे। इनके साथ तो इमराना का फतवा याद है, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, उसके बाद फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की पत्नी यानी पति की माँ हो गई, और उसके बाद चुप रहे सुरेंद्र, ये लोग आगे बात करते हैं स्त्रियों की, उसकी बात दिक्कत की बात, चार बीवी में क्या कहना है, चार बीवी में बोलिए, चार बीवी में ये फंस गया, अरे क्या फंस गया मुंह में, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, अब विषय पे छोड़िए, अब विषय बोलिए, आप चार बीवी को बोल रहे हैं बलात्कारियों का क्या कहना है, चार बीवी की बात करने वाले बलात्कारियों को बोले, हराना क्या है, अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, थैंक यू। आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि आप हां या ना, कुछ सवाल लेते, कुछ सवाल लेते, कुछ सवाल लेते, जल्दी से सवाल के पीछे बोलिए, चार बीवी का बोलिए हां या ना, आप चार बीवी हां या ना, बलात्कार चार बीवी हां या ना, ये आपकी नैतिकता है, ये आप लोगों का असली चाल चरित्र और चेहरा है, पूछे आप सवाल, अच्छा मैं एक मिनट, आप लोगों को लगता है बलात्कारियों को ताली बजाना है, डिबेट को आपने से डिरेल कर दिया, अब पॉइंट पे जवाब दीजिए, अब मैं सबको बताना चाहता हूँ, सुनिए, देश में देश का विभाजन की शुरुआत कहां से हुई, 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लिखित समझौता होता है कि देश के कुछ इलाके होंगे जहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के जाएगा,
और वही इलाके बाद में जाकर पाकिस्तान बने 1947 में। 1916 के बाद जब जिन्ना की हिम्मत और बढ़ी तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हिंदू उपाधि है। इसलिए आप याद करिए, आपने हर फिल्म में देखा होगा तो वो गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता, हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ी, 1925 में उसने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदू प्रेयर नजर आती। आरएसएस 1925 से बना और 1916 में विभाजन की नींव आपके लिखित समझौते से बनी। 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंग्रेजों को प्रधानमंत्री, आपको जवाब दिया जाए, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री से पहले सुभाष चंद्र बोस। किताबें बदल दीजिए फिर सुभाषु जी, किताबें बदल दीजिए देश की। क्यों? हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किताबों में क्या लिखा है? बच्चों को फिर क्यों गलत पढ़ा है? अगर किताब में झूठ पढ़ाया गया है तो पता है सर, आप ये बात कोई भी जाके चेक कर सकता है। आई हैव अ राइट टू रिस्पोंड। भाई सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए, जनता देख रही है एक सेंटेंस। अच्छा ये बताइए, 1946 में जब वो बने थे तो उनको शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत का संविधान तो था नहीं, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। अच्छा। लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर शपथ ली और अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और आपको भी पता है, सुनिए, जो काला पानी भुगत रहा था, जो कोलू के बैल की तरह जोत दिया गया, वो लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके वॉइसराय के परिवार से अत्यंत मधुर संबंध थे, हम सबको पता है पारिवारिक संबंध थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।